स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा फॉर योर जानकारी हित। आज का जो विषय है थोड़े नाल जिहड़ी गल करांगे इकोनॉमिक्स नाल रिलेटेड, बड़ा इनिशियल बेसिक टॉपिक्स ने, जेकर इन्हां नूं जान लिया तो अगे रस्ता आसान बनेगा। जो टॉपिक असीं डिस्कस करांगे, कंज्यूमर की है, हु इज कंज्यूमर, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्टेंट है। फिर व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी के बारे गल करांगे, ते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नूं असीं इंट्रोड्यूस करवावांगे। लेट्स स्टार्ट विद टूडेज वीडियो, मूव अहेड विद मी। यस स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर व्हाट इज कंज्यूमर, पंजाबी जिन्हों असीं उपभोक्ता कहने हैं। उपभोक्ता मतलब मैं भी उपभोक्ता, तुसी भी उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाले, आम भाषा से असं ही कह सकते हैं, जिहड़े भी कोई वस्तुओं किसी भी तरह समान यूज करते हैं, खाते ने, पहनते हैं, वो कंज्यूमर। यस, यू आर टोटली राइट, वह ही कंज्यूमर होंगे ने। इकनोमिक लैंग्वेज जो असं टैक्निकल गल करते हैं तो कंज्यूमर समझने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर की है। इन टेक्निकल लैंग्वेज वैन वी टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु परचेज हिज गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स। यस, एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है, आम भाषा से असं व्यक्ति कह सकते हैं, मैं व्यक्ति भी एक्सप्लेन कर रहा थोड़ा ये, वह व्यक्ति जो अपने असीमित जरूरतों के सीमित साधना के नाल अपनियां कुछ जरूरतां पूरियां कर सकता है, उन्हां वस्तुओं ते या सेवावां नूं खरीद के, वर्त के, यूज़ करके उन्हां नूं, ओह व्यक्ति कंज्यूमर है, उपभोक्ता। फॉर एग्जाम्पल, पेन चाहिदा सी, तुसीं पेन खरीदिया, उन्हूं यूज़ कीता, तुसीं कंज्यूमर। मैनूं मोबाइल चाहिदा सी, मैं मोबाइल दे उत्ते तुहाडे नाल गल करनी सी, तां मैं मोबाइल परचेज कीता, तां मैं कंज्यूमर। असी सारे कंज्यूमर हाँ, क्योंकि असी अपनियां असीमित लोड़ां दे विचों कुछ लोड़ां ने जिहड़ियां उन्हां नूं पूरा करन वाले हैं, उन्हां वस्तुआं या सेवावां दी जो उहदे अंदर छुपे हुए गुण ने, उन्हां गुणां दा प्रयोग करन वाले व्यक्ति हाँ, जिहदे नाल सानूं संतुष्टी प्राप्त हुंदी है। ऑल ऑफ वी आर कंज्यूमर, इह गल ध्यान रखियो। जिथे मैं गल कीती कंज्यूमर इज़ अ पर्सन, और वी कैन से इज़ एन इंडिविजुअल, नो अजिहा नहीं है। कंज्यूमर कैन बी एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी कंज्यूमर हो सकता है, संस्थावां भी कंज्यूमर हो सकदियां ने। साडे जिहड़े घर ने, जिथे जिन्हों असीं हाउस होल्ड कहने इकनोमिक्स लैंग्वेज, वह भी कंज्यूमर ने, क्योंकि असी सारे ही किसी ना किसी वस्तुओं या सेवावां का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वस्तुओं या सेवावां दे विच वो गुण होंगे ने जो साडी संतुष्टि करते हैं। सो कंज्यूमर वो सारे व्यक्ति संस्थावां ने जो किसी वस्तु नू खरीद के, सेवावां नू खरीद के, उहदे अंदर छुपे हुए गुणां नू यूज़ करते हैं, तो अपनियां वांट्स नू सैटिस्फाई करते हैं। दैट परसन वी शुड नो दैट दे आर द कंज्यूमर्स। जदों असी कंज्यूमर की गल की है तो कंज्यूमर के नाल जुड़ा हुआ एक होर टॉपिक मैं तुहानू दसना चाहुंदा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन की है। यस, उपभोक्ता संतुलन की है, सानू सारयां नू पता है कि हर व्यक्ति कोल, हर संस्था कोल जो कंज्यूमर ने, अपने साधन बड़े सीमित ने, लोड़ां बहुत ज़्यादा ने, वांट्स आर अनलिमिटेड। अपने हर साधन नू, अपनी हर पैनी नू, हर पैसे नू इस ढंग नाल खर्च करना चाहते हैं, सो दे कैन गैट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। सो वी कैन से जिहड़ी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह हालत है, वह स्थिति है एक कंज्यूमर की, जिथे वह सब तो ज़्यादा सैटिस्फाई है अपने साधना नू खर्च करके, अपने द्वारा खरीदिया गई वस्तुओं का उपभोग करके। एट सच सिचुएशन कंज्यूमर नैवर वांट्स एनी चेंज, वो चेंज करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि उत्थे स्टेबल रहे, बिकॉज दैट सिचुएशन गिव्स अ कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सच अ टाइम वेयर कंज्यूमर फील्स मैक्सिमम सैटिस्फाइड, क्लियर, बाय परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, वट एवर ही और शी वांट्स, बाय कंज्यूमिंग दैम एट पर्टिकुलर रेट। जदों किसी खास रेट के उत्ते वस्तु नू परचेज कर लैंदा, उन्हूं कंज्यूम कर लैंदा, तो वह मैक्सिमम सैटिस्फाई महसूस करता है, उस स्थिति नू असी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहने हैं। क्लीयर होगी ना ये गल? यस जी स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है, यदा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैं थोड़े नाल शेयर करना, वह है यूटिलिटी।
इनू बड़े ध्यान नाल समझो, बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी की है? तुष्टि गुण, वस्तु या सेवा दे अंदर छुपया होया ओह गुण जिस करके कोई कंज्यूमर वस्तु नू खरीदद है, वह संतुष्टि जिहड़ी एक कंज्यूमर नू किसी वस्तु नू प्रयोग करन तो बाद प्राप्त होंदी है, उनू असी उस वस्तु दा उस कंज्यूमर नू मिलन वाली यूटिलिटी या तुष्टि गुण कहा जांदा है। इट शुड बी क्लियर टू अस कि व्हाट इज अ यूटिलिटी। In simple words, we can say that utility is the ability of any goods or services to satisfy human wants. मनुख दी लोड़ा नू संतुष्ट करन दा ओह गुण जो किसे वस्तु या सेवा दे अंदर है, उन्हों असी utility जा तुष्टि गुण कहने हैं। सिंपल भाषा में समझना होवे, मानसिक रूप चनु सनवाज संतुष्टि, क्योंकि जो असी कोई वस्तु कंज्यूम करते हैं, उन्हों यूज करते हैं, सानू कोई संतुष्टि प्राप्त होंदी है। ये ध्यान रखियो। वन थिंग मोर रिगार्डिंग यूटिलिटी, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दैट एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ सम इकोनॉमिक्स गिव्स अ न्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग यूटिलिटी दैट वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन नंबर्स। बड़ी अजीब गल है भी, कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थव्यवस्थावां चल रही सी, आर्थिक ढांचा चल रहा सी, उन्होंने दसिया कि असी यूटिलिटी नूं माप सकते हैं। किस तरह माप सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बड़ी हैरानी वाली गल है जिदे कर सानू इस कॉन्सैप्ट बारे नॉलेज ना होवे, यूटिलिटी का माप किवें हो सकता है? असी कोई चीज़ कंज्यूम की, किसी ने पूछा तुहानू किस तरह लगी, तुसी कहा बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छी सी, जो कंज्यूम की सानू अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी सी। जनरली यूटिलिटी के बारे जो असी गल करते हैं, असी उहदी क्वालिटीज़ की गल करते हैं, असी उहदी मेजरमेंट की गल नहीं करते कि यूटिलिटी नू जो उस तो प्राप्त होने वाले गुण ने जो सानू सैटिस्फाई करते हैं, जनरली असी क्वालिटी वाइज उहनू मेजर करते हैं कि बहुत अच्छी लगी, बहुत बुरी लगी। बट सर्टन इकोनॉमिक्स, देर आर मैनी, जस्ट लाइक गॉसन, वारलेस एंड ड्यूपेट लाइक इकोनॉमिक्स गिव्स देयर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कार्डिनल नंबर्स टू मेजर द यूटिलिटी, कि असी यूटिलिटी नू तुष्टि गुण नू नंबरां दे विच माप सकते हैं। जिस तरह असी किसी वस्तु का वेट मापते हैं कि 5 किलो है, 10 किलो है, हाइट मापते हैं 6 फुट 2 इंच है, 5 फुट 9 इंच है, इस तरह यूटिलिटी नू भी कार्डिनल नंबर्स दे विच मापिया जा सकता है। इन्हां इकोनॉमिक्स ते उन्हां व्यूज़ नू अगे मार्शल, फिशर वर्गे दूसरे जो इकोनॉमिक्स ने उन्होंने भी अगे वधाया। दे स्पॉटेड इट, यस यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन नंबरस, जिन्हों कार्डिनल नंबरस कहिंदे, न्यूमेरिकल नंबर, संख्यावां दे विच माप सकते हैं। तो ये उन्होंने दसिया कि जिस तरह किसी वस्तु दे चीज़ों जेकर असी मेजर करने की क्वालिटी नू, कि असी वेट मापना किलोग्राम च कह दें, हाइट मापनी है असी फिट इंच, इनू यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लंबाई नू मापन दे लई। सिमिलरली यूटिलिटी नू मापन दे लई जिहड़ी यूनिट या इकाई मापी जाती है, दैट वन इज़ नॉन एज यूटिल। ये ध्यान रखियो, यूटिलिटी नू तुष्टिगुण मापन दे लई इकोनॉमिक्स दे विच जिस यूनिट नू असी यूज़ करते हैं, दैट वन इज नॉन एज यूटिल। मान लो सानू किसी वस्तु नू कंज्यूम करके सब तो ज़्यादा खुशी प्राप्त हुई, असी कहीए कि उस तो सानू एक यूटिल, यूटिलिटी मिली, तुष्टिगुण मिलिया, क्लीयर। तो यूटिलिटी नू मापन की जो इकाई है उन्हों असी इकोनॉमिक्स दे विच यूटिल दे नाम नाल कहने हैं। आओ हुण गल करते हैं इस तो अगे वध के, इतना क्लीयर हो गया कि यूटिलिटी की है। यूटिलिटी किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपया होया वह गुण है जिसनों असी माप सकते हैं, तो वह गुण साड़ी वांट्स नू सैटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है साड़ियां लोड़ां नू। द नैक्सट टॉपिक इन टूडेज वीडियो इज रिगार्डिंग द कॉन्सैप्ट और वी कैन सी टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी। इकनोमिक्स के जो यूटिलिटी के कॉन्सैप्ट टाइप्स की गल होती है, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स और कॉन्सैप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। टाइप्स नहीं है, एक्चुअली बेसिक कॉन्सैप्ट असं कहते हैं रिगार्डिंग यूटिलिटी। और कॉन्सैप्ट से विचों पहला कॉन्सैप्ट की है अनिशियल यूटिलिटी। अनिशियल मतलब आरंभिक, प्रारंभिक, हिंदी कहते हैं शुरू दे विच जो मिलती है। किसी भी वस्तु की फस्ट यूनिट नू यूज़ करन तो बाद जो तुष्टि गुण सानू प्राप्त होंदा है उन्हों असी अनिशियल यूटिलिटी कहने। फर्स्ट यूनिट नू दा यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी इज नॉन एज अनिशियल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, तुसी एक टाइम दे विच 5 आइसक्रीम खा सकते सी, फर्स्ट जदों आइसक्रीम तुसी यूज़ की उन्हों खाया, जो सैटिस्फैक्शन उस टाइम मिली, जो तुहानू तुष्टि गुण उस टाइम प्राप्त होया, तुसी कहा कि मैनू 5 यूटिल यूटिलिटी मिली।
पांच यूटिलिटी है, फाइव यूटिलिटी, दैट इज नोन एज इनिशियल यूटिलिटी, आरंभिक तुष्टिगुण। क्लियर? ध्यान नाल इस गल्ल नूं समझो कि किसी भी वस्तु दे विचों जदों असीं उहदियां बहुत सारियां वस्तुआं नूं, उहदियां बहुत सारियां यूनिट्स नूं यूज़ करना है, उहदी पहली इकाई नूं यूज़ करन तों जो सानूं उपयोगिता प्राप्त होंदी है, जो तुष्टिगुण प्राप्त होंदा है, उहनूं असीं की कहिंदे आ, इनिशियल यूटिलिटी, आरंभिक या प्रारंभिक तुष्टिगुण। यूटिलिटी का जो सैकेंड कॉन्सैप्ट है, दैट इज टोटल यूटिलिटी, कुल तुष्टिगुण। टोटल यूटिलिटी की है, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विच एज ए कंज्यूमर वी हैव कंज्यूम्ड। मतलब समझ रहे हो, एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता के तौर पर किसी किसी वस्तु दियाँ जिन्हिया इकाइयों प्रयोग किया, उन्होंने सारिया इकाइयों तो मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है, उसका जो एग्रीगेट है, उसका जो जोड़ है, दैट वन इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी आइसक्रीम की असी जिमें पहला एग्जाम्पल लेते सी कि असी फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो सानू 5 यूनिट यूटिलिटी प्राप्त हुई, सेकेंड खाई तो थोड़ी जी यूटिलिटी घट गई क्योंकि साड़ी संतुष्टि हो चुकी थी, 4 यूनिट सानू यूटिलिटी मिली, फिर टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 5 पहले तो मिली सी, 4 सेकेंड तो टोटल यूटिलिटी बन गई 9 यूटिल। दिस वन इज टोटल यूटिलिटी। वेन एज ए कंज्यूमर वी कंज्यूम ओनली 2 आइसक्रीम्स and we got 5 and 4 utility from each one, then total utility will be 5 plus 4 is equal to 9 util. ਇਹ ਹੈ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ, 5 ਕਰਦੇ, 7 ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਕਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਕੁੱਲ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 10 ਯੂਟਿਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 26 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31 ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ 10 to 19, 90 to 26, 26 to 31, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 7 ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, 5 ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ। ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ nth ਆਈਟਮ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ nth ਮਾਈਨਸ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ nth ਮਾਈਨਸ 1। n ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ n? nth, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ nth? nth ਮੀਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੋਰਥ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚੋਂ? ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੋਰਥ, n ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੈ, ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ? 31। ਉਸ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ 4 ਮਾਈਨਸ 1, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ n ਮਾਈਨਸ 1 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, 4 'ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ 3rd, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ 3rd ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3rd ਆਈਟਮ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਸੀ, 4th ਦੀ 31 ਹੈ, 31 minus 26 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5। 5 ਯੂਟਿਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ 4th ਆਈਟਮ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 0। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 12 ਮਿਲੀ। 2 ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 21 ਹੋਈ, 3 ਨਾਲ 27,
चार नाल कि नहीं हुई, मान लो 30 हुई, पंजवीं आइसक्रीम भी कंज्यूम करनी पैगी, दोस्त आके कहिंदे होर खा खानी पैगी, तो उस हालत टोटल यूटिलिटी कितनी रहेगी 30। इन्हें फिर मुश्किल होगी, एक होर दोस्त एक नॉन आ गया उन्हें नाल भी आइसक्रीम खानी पैगी, टोटल यूटिलिटी वधन की थाने घट गई क्योंकि उस आइसक्रीम ने या वस्तु ने जिन्होंने असं कंज्यूम किया उस तो सानू नफरत होगी या सानू नुकसान पहुंचा गई। टोटल यूटिलिटी टेबल च देखो 30 तो घट के कितनी रहेगी 27। क्लीयर। हुण मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हुंदा है, जो असी पहली वस्तु कंज्यूम की तो मार्जिनल भी सानू 12 मिली क्योंकि टोटल 12 है, जो असी दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की है तो टोटल यूटिलिटी वध के कितनी होगी 21। चेंज कितना आया 9 इज द मार्जिनल यूटिलिटी, इसनू सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। जो असी तीसरी आइसक्रीम यूज की टोटल 27, मार्जिनल कितनी होगी 27 चो असी 21 माइनस किए 6। फिर फोर्थ के उत्ते टोटल यूटिलिटी 30 होगी, मार्जिनल कितनी रहेगी 3। तो फिफ्थ के उत्ते देखो टोटल यूटिलिटी फिर भी 30 रही क्योंकि असी खा खा के या यूज करके उस वस्तु तो अक चुके सी, थक चुके सी, सानू कोई ज़्यादा उपयोगता हुण प्राप्त नहीं हुई, कोई तुष्टि गुण एक्सट्रा नहीं मिला। टोटल यूटिलिटी फोर्थ के उत्ते भी 30 सी, फिफ्थ आइटम के उत्ते भी 30 सी, तां ध्यान नाल सोचो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी 0। एक वस्तु होर कंज्यूम करनी पैगी, खानी पैगी, चाहे वह आइसक्रीम सी, बर्गर सी, कुछ भी सी, तो सारी टोटल यूटिलिटी सानू नुकसान पहुंचाने वाली होगी, शरीर तबीयत डाउन होनी शुरू होगी, मान लो जो असी अक गए उस वस्तु तो, नफरत होगी उस वस्तु तो, टोटल यूटिलिटी साड़ी घट गई 30 तो कितनी होगी 27, तो मार्जिनल देखो कितनी होगी नैगेटिव। सो द एग्जाम्पल क्वाइट क्लीयर, आई थिंक तुहानू टॉपिक क्लीयर कर रही है कि बिल्कुल टोटल यूटिलिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी तो नैगेटिव भी। सो स्टूडेंट्स आई थिंक द कंसैप्ट इज क्लीयर। सब तो पहला असी गल की यूटिलिटी की, यूटिलिटी की है, इस तो इलावा असी कंज्यूमर के बारे भी जाने, कंज्यूमर इक्लीयर की स्थिति की होंगी है, फिर असी यूटिलिटी के कॉन्सैप्ट इनिशियल यूटिलिटी, इस तो इलावा फिर गल की असी टोटल यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी की। आई थिंक द कॉन्सैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर। जेकर कुछ क्लीयर नहीं तो वीडियो के पिछे जाओ, उस हिस्से को दोबारा देखो या अपना कमेंट दो, आई विल आंसर यू देयर ईवन इन द कमेंट बॉक्स। बड़ी जल्दी मैं तुहाडे लई एक नवा वीडियो लेके आने वाला है, इस तो अगे वधदे हुए इकोनॉमिक्स के कॉन्टेंट नाल संबंधित, इंतजार करो तद तक। थैंक यू वेरी मच।